हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम KTM 390 एडवेंचर रैली बाइक के बारे में, जो कि रिसेंटली स्पॉट की गई है यूरोप में। सो, इस बाइक के बारे में बात करते हैं और बहुत ही सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई न्यूज़ आती है और कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले वो मिल जाए। रिसेंटली KTM अपनी न्यू बाइक टेस्ट कर रहा है। KTM अपनी रिसेंटली स्पॉट किया गया है अपनी 390 रैली वर्जन टेस्ट करते हुए यूरोप में। और बात की जाए इस बाइक के बारे में, तो कोई माइनर ट्वीक्स नहीं है, कम्प्लीटली न्यू अपडेट है, सब कुछ न्यू होने वाला है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हो, कम्प्लीटली फोक्स टायर है और कम्प्लीटली LED सेटअप है, और 21 इंच का फ्रंट टायर है और 17 इंच का रेयर टायर होने वाला है। और इसमें TFT स्क्रीन भी आएगी, जो कि ऑलरेडी 390 एडवेंचर में आपको दिखती है, वही इसमें स्क्रीन आएगी। और इसमें जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, जो स्पाई शॉट्स है, टॉल विंड स्क्रीन होगा और रेज फ्रंट फेंडर भी आपको इसमें दिखने वाला है। मोस्ट ऑफ दी अपडेट जो भी है इसका, वो हार्डवेयर एंड पे होने वाला है। और जो कि अगर बात की जाए, जो करंट ADV है 390 ADV, उसमें 19 इंच का अलॉय व्हील्स आते हैं, बट इसमें 21 इंच का आपको स्पोक्स व्हील मिलने वाला है फ्रंट में, जो कि इसको कम्प्लीटली हार्ड कोर ऑफ रोड एडवेंचर बाइक बना देता है। और देखते हैं ये कब तक ये लॉन्च होती है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 के एंड में ये लॉन्च हो जाए, और इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं बजाज। सो ऐसी न्यूज़ पाते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जैसे ये बाइक के और कोई अपडेट्स मिलते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। थैंक यू।